हेलो मैन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट सुफैद। यू आर वॉचिंग योर्स ऑटो गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पंच के एडवेंचर वेरिएंट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। रिसेंटली कार को कुछ चेंजेस मिले हैं, सेफ्टी फीचर्स इंक्लूड करे गए हैं। कार के अगर शोरूम प्राइजेस के बारे में बात करें तो 6.99 लाख कार के शोरूम प्राइजेस रहने वाले हैं एंड 8 लाख तक ये ऑन रोड आ जाती है सभी स्टेट्स में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चेक करना है, मैं शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना सेशन बुक कर सकते हैं एंड ए ग्रेट डील डन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो पहले अगर हम कार के फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट एंड से कार काफ़ी ज़्यादा ऊँची ऊँची लगती है। पहले ही आपको फ्रंट में टाटा का न्यू लोगो देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टच है। उसी के साथ साथ आपको इस कार के लेफ्ट साइड में स्लीक डीआरएस देखने को मिलेंगे। दूसरी कार्स में आपको हैलोजन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको स्लीक डीआरएस देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे। पियानो क्रोम फिनिश आपको ग्रिल के नीचे देखने को मिल जाएगी एंड ग्रिल भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगी। आपको इस कार में रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे, जो कि हाई बीम एंड लो बीम में रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको कार में कोई फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर एक वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प मिलेंगे, जो कि एडवेंचर रिदम पैकेज है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो साइड प्रोफाइल से फुल ये एक मिनी एसयूवी का स्टांस दे देती है, जिसमें आपको ब्लैक क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है। 185/17 R15 टायर साइज इसका रहने वाला है। सीएट के टायर देखने को मिलेंगे, पियानो ब्लैक कवर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेंगे, रियर में ड्रम देखने को मिलेंगे। 187 mm कार की ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हिली एरियाज के लिए भी एंड रूरल एरियाज के लिए भी, अर्बन एरियाज के लिए भी। एंड उसी के साथ साथ आपको इस कार में बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे एंड बॉडी कलर ORVMs देखने को मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर्स। आपको यहाँ पर फेंडर पे इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे, आपको ORVMs पे देखने को मिलेंगे। आपको इस कार में फ्लैश डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, जो कि सेम आपको स्विफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो हैलोजन टेन लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ट्राई असेंबल शेप में रहने वाले हैं, जिनमें आपको इंडिकेटर के बल्ब भी इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ आपको ब्लैक में देखने को मिलेंगे, जो कि इस कार का बम्पर है वो आपको ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको रेड डमी लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको थोड़ा ट्राई डिजाइन में देखने को मिल जाएगा, जो कि इस कार की एक शेप है, इस कार का एक सिंबल है। एंड उसी के साथ साथ आपको इस कार में न्यू लोगो देखने को मिल जाएगा। रिवर्स लाइट आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, अक्सर कार के ऊपर दे देते हैं लेकिन इस कार में आपको नीचे मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कार में कोई बैक कैमरा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर वाले एक वेरिएंट में, जो कि मैंने आपको बोला एडवेंचर रिदम, उसी में आपको बैक कैमरा मिलता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बात करें कार के इंटीरियर के बारे में तो इंटीरियर पर जब भी पहले जाते हैं तो डोर फुल्ली 90 डिग्री ओपन होता है, क्योंकि काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब उतरने चढ़ने के लिए अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर टाटा मोटर्स कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपको फुल एक अच्छा फील देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कार में आपको चारों ही पावर विंडोज देखने को मिल जाएंगी एंड आपको ऑटोमेटिक ORVM देखने को मिल जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पर मैनुअली एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ऐसा कुछ स्टेयरिंग का फील रहने वाला है एंड काफी ज्यादा बढ़िया है स्टेयरिंग का फील। एंड आपको इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी नेविगेशन देखने को मिल जाएंगे। एंड स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड आपको ड्राइवर AC वेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगा। एंड आपको इस कार में मैनुअल ORVM देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक देना चाहिए था। एंड ऊपर की साइड आपको सनशेड देखने को मिल जाएगा। कार के कुछ अगर हम सेंट्रल कंसोल सिस्टम के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा गियर लेवल रहेगा, आपको इसमें मैनुअल AC देखने को मिल जाएगा एंड छोटी सी टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको इसके टॉप मॉडल में अच्छी खासी बड़ी टच स्क्रीन मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ बात करें इस कार के कुछ स्पेस के बारे में तो मैनुअल हैंड ब्रेक रहेगी एंड कुछ स्पेस आपको इस कार में नहीं मिलेगी, बस चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा 12 वोल्ट का एंड USB कनेक्टर। एंड अगर ग्लू बॉक्स की तरफ देखें तो कुछ ऐसा ग्लू बॉक्स रहेगा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज देखने को मिल जाती है इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। एंड कुछ ऐसा इस कार का इंटीरियर रहने वाला है। एंड ये कार आपको 7 लाख शोरूम प्राइस में मिलेगी एंड ऑन रोड ये राउंड अबाउट सब स्टेट्स में 8 लाख तक जाती है, जो कि मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। अगर आपको किसी और कार पे भी ओनरशिप रिव्यू या किसी कार पे रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना।